Morning students, welcome in online computer class for class 4th. Today we start lesson 5, editing and formatting in MS Word. MS Word is a very useful application software. You can type any text in MS Word. Sometimes you may need to change the appearance of the text, add or delete some text from the already typed text. मेकिंग चेंजेस इन द अपीरियंस ऑफ द टेक्स्ट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस और मोडिफिकेशन लाइक इंसर्टिंग और डिलीटिंग कॉपिंग और मूविंग टेक्सट करेक्टिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग्स एक्सेट्रा स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर फाइव स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एम एस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Uh, हम किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ जो कि ऑलरेडी पहले से टाइपड हैं उनमें किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं बच्चों एम एस वर्ड जो है एक बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें हम अपने टेक्स्ट में जो है काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं टेक्स्ट में हमें और भी कुछ ऐड करना हो तो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो हम ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट में डिलीट भी कर सकते हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसके टेक्स्ट के जो अपीरियंस होता है जो लिखावट होती है वो जिस तरीके से टाइप किया गया होता है उसको चेंज करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं और उसके कलर को चेंज करना और उसमें कुछ और ऐड करना या डिलीट करना या उस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके कॉपी या पेस्ट करना और उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे ठीक करना ये सब कुछ एडिटिंग कहलाता है नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर स्टार्टिंग एम एस वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन टू स्टार्ट एम एस वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन इन विंडोज़ टेन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। बच्चों एम एस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है दो हज़ार सोलह का उसे हमें विंडोज़ टेन uh, पे जब हमें उसे स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जो कि इस तरह से हैं स्टेप वन क्लिक द स्टार्ट बटन स्क्रॉल डाउन टू द अल्फ़ाबेट डब्ल्यू इन द स्टार्ट मेन्यू स्टेप वन में आपको क्या करना है आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है उसके बाद वहाँ पर अल्फ़ाबेट में आपको स्क्रॉल करना है तो डब्ल्यू लिखा हुआ आएगा स्टार्ट मेन्यू में स्टेप टू क्लिक वर्ड 2016 इन द लिस्ट द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ वर्ड 2016 अपीयर्स स्टेप टू में आप जैसे ही क्लिक वर्ड uh, 2016 पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होकर आएगी जिसमें वर्ड 2016 लिखा हुआ होगा स्टेप थ्री इन स्टेप थ्री क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन द वर्ड विंडो अपियस विद द ब्लैंक डॉक्यूमेंट अस हैव लुक एट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ड विंडो स्टेप थ्री में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब एक खाली डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा उसके राइट स्क्रीन के राइट साइड पर आपको क्लिक करना है तो एक वर्ड विंडो खुलकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने आएगा जैसा कि आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसमें आप देखिए वर्ड विंडो के वर्ड विंडो खुला हुआ है जिसके आपको uh, कई पार्ट्स देखने को यहां पे मिलेंगे लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली नाउ वी लर्न अबाउट वर्ड रैपिंग वेन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड वी कैन स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट इन इट एज वी टाइप द कर्सर विल मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन एज सून एज द कर्सर रीचेज द एंड ऑफ द करेंट लाइन इट विल मूव टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन दिस फीचर ऑफ वर्ड इज़ नोन एज़ वर्ड रैपिंग इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ यू कैन प्रेस द एंटर की ऑन द की बोर्ड स्टूडेंट्स वर्ड रैपिंग क्या होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो आप उसके ऊपर जो है अब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से और जैसे जैसे हम टाइप करते जाएँगे कर्सर आगे आपके जो माउस का कर्सर है वह राइट right डायरेक्शन में यानी राइट right साइड में सीधे तरफ मूव uh, करने लगेगा उसके बाद जैसे ही uh, जो कर्सर है वह उस लाइन के एंड में पहुँचेगा तो वह एकदम स्टार्टिंग में नेक्स्ट लाइन जब हमें स्टार्ट करना है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा इस फीचर को जो है एम एस वर्ड में वर्ड रैपिंग कहते हैं इसके बाद अगर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है एक लाइन को कंप्लीट करने के बाद एक पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद हमें एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे और एंटर की को प्रेस करने के बाद जो वह कर्सर है वह उस पैराग्राफ से नीचे आ जाएगा वाई लर्न अबाउट हाउ टू एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड देर आर वेरियस वेज टू एडिट टेक्स्ट इन एम एस वर्ड लेट इस स्टडी द बेसिक एंड मोस्ट कॉमनली यूज ऑप्शन फॉर एडिटिंग सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज़ किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है हमें जो टेक्स्ट एडिट करना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं जिसे सेलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड डबल क्लिक द वर्ड अगर हमें किसी एक सिंगल वर्ड को चेंज करना है तो हम उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे अपने माउस से टू सेलेक्ट अ सिंगल लाइन प्रेस द कंट्रोल की प्लस सिंगल क्लिक ऑन द सेंटेंस लेकिन अगर हमें एक पूरी लाइन को एडिट करना है तो हम उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे उसे सेलेक्ट करने के लिए जो है हम अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की जो होता है उसको प्रेस करेंगे और उसके साथ सिंगल क्लिक करेंगे अपने माउस से उस सेंटेंस पर टू तो सेलेक्ट अ पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक एनी वेयर इन द पैराग्राफ अगर एक पूरे पैराग्राफ को हमें एडिट करना है तो हम उसे एक पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ पर कहीं भी हम अपने माउस से ट्रिपल क्लिक यानी तीन बार क्लिक करेंगे टू सेलेक्ट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट लेकिन अगर हमें एक बहुत बड़े ब्लॉक को आ, ब्लॉक को सेलेक्ट करना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे उसके एकदम स्टार्टिंग में उस ब्लॉक के एकदम स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे और उस क्लिक को पकड़ते हुए हम अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और फिर जो है उस ब्लॉक के एंड में हम क्लिक करेंगे टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनी वेयर इन द सेलेक्शन एरिया ट्रिपल क्लिक इन द सेलेक्शन एरिया लेकिन अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए हम अपनी कीबोर्ड पर कंट्रोल की को पकड़ेंगे और उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट में हम कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर तीन बार क्लिक करेंगे जिससे कि वह पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा हेयर आर सम शॉर्टकट कीज फॉर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट आर गिवेन बिलो बच्चों यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रेड कलर के बॉक्स में कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिससे कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल प्लस ए जब हम कंट्रोल प्लस ए अपने कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है कंट्रोल प्लस ए से टू सेलेक्ट द होल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की जब हम अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की के साथ लेफ़्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो उससे क्या एक्शन होता है टू सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर इससे क्या होता है कि हमारे कर्सर के लेफ्ट साइड में जो टेक्स्ट होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं शिफ्ट प्लस राइट एरो की जब हम कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो क्या एक्शन होता है टू सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर कर्सर के राइट right साइड में जो टेक्स्ट होता है वो सेलेक्ट होता है शिफ्ट प्लस अप एरो की जब हम शिफ्ट की के साथ अप एरो की को प्रेस करते हैं तो क्या एक्शन होता है टू सेलेक्ट टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड अप द कर्सर इससे कर्सर के लेफ्ट साइड में और या कर्सर के ऊपर साइड का जो टेक्स्ट होता है वो सेलेक्ट होता है शिफ्ट प्लस डाउन एरो की टू सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड एंड बिलो द कर्सर इससे कर्सर के राइट right साइड का टेक्स्ट और नीचे का टेक्स्ट सेलेक्ट होता है शिफ्ट प्लस होम जब हम अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ होम की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है तो सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टिल द बिगनिंग ऑफ द लाइन इससे कर्सर से वह टेक्स्ट सेलेक्ट होता है जो कि एकदम स्टार्टिंग से हमने टाइप करना स्टार्ट किया है शिफ प्लस एंड शिफ प्लस एंड की को प्रेस करते हैं तो टू सेलेक्ट टैक्स फ्राम द कर्सर टिल द एंड ऑफ द लाइन इससे कर्सर के एंड तक जो लाइन है वो सेलेक्ट उसका पूरा टैक्स सेलेक्ट हो जाता है नाव मूविंग टैक्स बाई कट ऑप्शन वर्ड्स अलाउ आस टू मूव टैक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन द सेम और अनादर डॉक्यूमेंट वेन वी मूव द टैक्स इट इज रिमूव फ्राम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस इट ऑन द क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड इज़ टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया फॉर लेटर आस बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम uh, किसी भी टेक्स्ट को जो है एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं जो कि बहुत आसानी से और अपनी ओरिजिनल लोकेशन में एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होता है और वे क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड जो होता है एक टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया होता है जिसमें कि वह टेक्स्ट सेव हो जाता है स्टेप टू मूव द टेक्स्ट कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकते हैं स्टेप वन सेलेक्ट द डिज़ायर टेक्स्ट सबसे पहले जो हम टेक्स्ट को आ, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं स्टेप टू राइट क्लिक सेलेक्ट द कट ऑप्शन स्टेप टू में हम राइट right क्लिक करते हैं कट ऑप्शन पर और स्टेप थ्री यू कैन सेलेक्ट द कट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब या तो आप स्टेप टू का यूज़ कर सकते हैं कि आप सीधा जो है कट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए राइट क्लिक करके या फिर स्टेप थ्री में आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं क्लिपबोर्ड में से ठीक है और उसके बाद आप जो है होम टैप पर जाते हैं और स्टेप फोर यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स और अगर आपको बहुत शॉर्टकट वे में काम करना है तो आप स्टेप फोर का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स की को प्रेस करना होगा तो उससे क्या होगा वो टेक्स्ट आसानी से कट हो जाएगा कॉपिंग टेक्स्ट बाई कॉपी ऑप्शन कॉपी ऑप्शन का यूज़ करके हम टेस्ट को जो हमने टेक्स्ट कट किया है उसको हम किस तरह से कॉपी करते हैं कॉपिंग टेक्स्ट इज सिमिलर टू मूविंग टेक्स्ट एक्सेप्ट दैट अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट रिमींस एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर कॉपिंग टू क्लिप बोर्ड स्टेप्स टू कॉपी द टेक्स्ट स्टेप वन सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड या आप सबसे पहले टेक्स्ट को कॉपी कीजिए उसको सेलेक्ट कीजिए स्टेप टू राइट क्लिक सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन सेम कॉपी ऑप्शन पर राइट right क्लिक कर सकते हैं और स्टेप थ्री यू कैन क्लिक द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैप या होम टैप पर जाकर क्लिप बोर्ड ग्रुप में जाकर आप वहाँ से भी कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टेप फोर यू कैन यूज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी या फिर बहुत शॉर्टकट वे में वर्क करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं प्लेसिंग टेक्स्ट बाय पेस्ट ऑप्शन यू कट द टेक्स्ट टू मूव इट टू सम अदर प्लेस एंड यू कॉपी द टेक्स्ट टू यूज़ इट्स डुप्लीकेट कॉपी एट सम अदर प्लेस सो बोथ दीज ऑप्शन वर्क अलॉन्ग विद द थर्ड ऑप्शन नोन एज द पेस्ट ऑप्शन जब हम किसी टेक्स्ट को कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं इसके लिए हम जो है पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं हेयर आर स्टेप्स टू paste द text. स्टेप वन द selected टेक्स्ट इज़ फर्स्ट कट और कॉपीड स्टेप वन में हमें पहले uh, उस टेक्स्ट uh, को सेलेक्ट करना है और उसको कट करना है और कॉपी करना है स्टेप टू प्लेस द cursor एट द रिक्वायर्ड लोकेशन वेयर द text needs टू बी कॉपीड और मूव्ड स्टेप टू में हम कर्सर से उस प्लेस पे जाते हैं उस जगह पे जाते हैं या उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर हमें उस टेक्स्ट को कॉपी या मूव करना है और स्टेप थ्री यू कैन क्लिक द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब या स्टेप थ्री में आप जो है होम टैब uh, पे जाकर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर वहाँ से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और स्टेप फोर्ड यू कैन यूज़ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी या बहुत शॉर्टकट वे में आपको वर्क करना है तो आप सीधा अपने कीबोर्ड पर जाकर कंट्रोल के साथ वी uh, को क्लिक uh, करेंगे और उससे जो है वह पेस्ट टैक्स पेस्ट हो जाएगा डिलीटिंग टैक्सट वाइल टाइपिंग सम टैक्स इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैट वी मेक सम टाइपिंग और स्पेलिंग मिस्टेक्स टू Rectify those mistakes. We can use the delete or backspace keys. The delete key removes the text on the right side of the cursor, and the backspace remove the text from the left side of the cursor. If we want to delete one character at a time, we can press the delete key or the backspace key once. If we want to delete one word at a time, we can use कंट्रोल प्लस डिलीट की टू डिलीट अ वर्ड फ्राम द राइट साइड ऑफ द करसर कंट्रोल प्लस बैक स्पेज की टू डिलीट अ वर्ड फ्राम द लेफ्ट साइड ऑफ़ द करसर बच्चों जब हम किसी टेक्स को टाइप करते हैं तो पॉसिबल है कि हमसे मिस्टेक्स जाती हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं तो उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हम डिलीट या बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं डिलीट की क्या करता है जो डिलीट की है वह कर्सर के राइट साइड से टेक्स्ट को रिमूव करता है और जो बैक स्पेस की है वह कर्सर के लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को रिमूव करता है तो इसके लिए हम कुछ शॉर्टकट कीज का यूज़ करते हैं जैसे कंट्रोल के साथ आप डिलीट की का यूज़ कीजिए या कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की का हम यूज़ कर सकते हैं Undo and redo option. Undo and redo are one of the most important and useful tools provided in Word. Undo is used to reverse the effect of the last action performed, and redo is used to cancel the effect of the undo command. The undo and redo buttons are present on the quick access toolbar, present on the left side of the title bar. You can also press the Ctrl plus Z on the keyboard or undo, and Ctrl plus Y for redo operations. स्टूडेंट्स अंडू एंड रीडू ऑप्शन जो होते हैं वे वर्ड में बहुत ही यूजफुल टूल्स होते हैं अंडू से हम क्या कर सकते हैं अंडू से जो हमने आखिरी एक्शन परफॉर्म किया होता है उस पर जो भी हमने इफ़ेक्ट डाले होते हैं उसको हम हटा सकते हैं और रीडू से हम क्या कर सकते हैं रीडू से जो हमने अंडू किया होता है उसको हम वापस ला सकते हैं अंडू और रीडू का बटन जो कहाँ होता है वे क्विक एक्सेस बार में प्रेजेंट होता है इसके अलावा अंडू और रीडू करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से भी शॉर्टकट कीज का यूज़ कर सकते हैं अंडू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड की को प्रेस कर सकते हैं और रीडू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस वाई की को प्रेस कर सकते हैं Checking spelling and grammar mistakes in Word. The spelling and grammar features of Word let us check the spellings and grammar mistakes in our document all at once. It also suggests correction while we work. There is an autocorrect option which automatically corrects the spelling of some common words as we type. Spelling errors are underlined with a single red wavy line, and grammatical errors are underlined with a single blue wavy line. स्टूडेंट्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी ठीक कर सकते हैं इसके लिए वहाँ पर ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है जिससे अगर हमसे कोई स्पेलिंग आ, मिस्टेक हुई है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है तो वह ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है अगर कोई स्पेलिंग एरर होती है तो जैसे ही हम वो गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो वहाँ पे एक रेड कलर की लहराती हुई सी लाइन आ जाती है और अगर हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पर ब्लू कलर की लहराती हुई लाइन शो होती है Here are some steps स्टेप्स uh, to correct the spelling of any word in our document follow given steps यहाँ बच्चों आप स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स दे सकते हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी मिस्टेक्स को स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड टू करेक्ट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन य डॉक्यूमेंट फॉलो द गि स्टेप्स और अगर हमें अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर ये दो स्टेप्स हैं जिनका हम यूज करके ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं थेसॉरस द थेसॉरस मीन्स वॉकेबुलरी और डिक्शनरी द फीचर हैल्स इन फाइंडिंग द सिनोनियम्स डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग एंड एंटोनियम्स वर्ड विद द अपजिट मीनिंग ऑफ अ डिजायर्ड वर्ड टू यूज दिस फीचर ऑफ़ वर्ड फॉलो द स्टेप्स गिविन बिलो स्टूडेंट थेसोरस क्या होता है थेसोरस एक वॉक्यूबलेरी या डिक्शनरी होता है वॉक्यूबेरी में क्या होता है बच्चों सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपने इंग्लिश ग्रामर में सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के बारे में पढ़ा होगा सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यावाची शब्द ठीक है ऐसे शब्द जिनका मीनिंग एक होता है और एंटोनियम्स विलोम शब्द जो एक दूसरे के विरुद्ध या अपोजिट होते हैं इस फीचर को एमएस वर्ड में यूज करने के लिए हमें कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स इन फोर स्टेप्स को फॉलो करके आप थे फीचर को एमएस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं लुक एट योर स्क्रीन हाउ हाउ विल यू यूज दिस फीचर इन एम एस वर्ड स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग सो वी शुड कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर टमोरो Till then, learn this chapter again. Thank you.